नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज 1565 15625। तो लेट कॉस्ट ऑफ मशीन भी, कॉस्ट ऑफ मशीन ये जो आपको गिवन है इसको मैं ले लेता हूँ 20। क्या ले लेता हूँ? 20। इसका मतलब 20 की वैल्यू क्या है? 1565। क्या एग्री करते हो? ठीक है। डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%। इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन की बना, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हैज बिन गिवन। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हो गया आपका से आर इक्वल टू 20%। कहना चाहिए 20% इज 20/100 एंड विच इज इक्वल टू 1/5। ये भी हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। पहले ये बताओ वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो? वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देखो, ओरिजिनल वैल्यू अगर 20 है तो मैं इसको ले लेता हूँ V1। क्या होगी? V1। और क्या होनी चाहिए? जो आपकी इनिशियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है 20, कहने से दैट इसका 20% कम हो जाएगा। यस और नो? डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम होना। इसका मतलब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 कितना है? 15625। 20% का मतलब क्या है? 1/5 इंटू में क्या हो जाएगा? 15625। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 15625। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 -1/5। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 15625। देखो 5 -5 हो गया 4/5। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? V1। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरह से वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे? सेकेंड ईयर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की जो वैल्यू है, क्या आप एग्री करते हो? V2 विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? V1 -20% ऑफ V1। यस और नो? तो V1 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये अगेन 1 -20%। 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 1 -1/5। तो V2 की वैल्यू क्या होगी? V1 × 4/5। एग्री करते हो? अब मुझे बताओ V1 क्या था? V1 था आपका 4/5 × V0 था या नहीं था? V1 जो था हमारा, V1 किसके इक्वल आया था? V1 की जो वैल्यू आई है अगर आप इसको इक्वेट करो तो 15625, तो क्या है? 4/5 × V0, यही है ना आपका? ठीक है। तो इसका मतलब V1 में क्या हुआ? 4/5 × V0। V2 में क्या हुआ? 4/5 square × V0। तो अगर इसी ट्रेंड से मैं चलता रहूंगा सो ऑन करते हुए, तो V5 क्या होना चाहिए? 4/5 raised to power 5 × V0। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। Which implies, तो V5 क्या होगा? That is value at the end of 5th year। V0 ये तो आपका 15625, ये वैल्यू है 15625। 4 raised to power 5, 1, 2, 3, 4 और 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब देखो ये हो गया 5 5 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 625 को 5 से करोगे तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 6 5 30, 30। 3 1 2 5 को 5 से करो, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 1 5 और 1 6, 5 3 15। इसका मतलब ये सारा कैंसिल करके ये इस पर किस पर जाएगा? 5 पर। समझ में आ गया? ये सारा कैंसिल करोगे किस पर जाएगा? 5 पर जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली पहले लिखो, इट विल बी इक्वल टू 15625 × 4 raised to power 5। 5 raised to power 5 कितना होता है? 3 1 2 5।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 3.25 से इसको सिंपलीफाई कैंसिल करोगे तो 5 पर कर दो, तो ये तो हो गया 5। अब 4s to power 5, देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और फिर आगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 6 जा क्या होगा 96, 96 में 6 ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1024, 1024 ये आ गया। अब 1024 into 5 को 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2, 12 5 0 जा 0 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 5 1 जा 5, क्या वैल्यू रह जाएगी इसकी 5 1 2 0, 5 1 2 0, दैट इज मशीन ऑफ वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 5 ईयर्स, विच विल बी इक्वल टू B5, विच विल बी इक्वल टू ₹5120। डाउट है तो बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो हम ये मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर्स फिनिश अ जॉब इक्वल टू वन। मैंने ये मान लिया ये जो सर्टेन नंबर ऑफ डेज है इसकी वैल्यू क्या है। अब आगे देखो क्या लिखा, 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन सेकेंड। अब कंडीशन क्या है कि भैया अगर 150 वर्कर्स काम करते हैं डेली, 150 वर्कर्स डेली काम करते हैं, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, एंड डेज पे। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन सेकेंड। और पहले दिन में क्या हुआ, फर्स्ट डे में तो क्या हुआ, सारे के सारे वर्कर काम करने गए, 4 निकम्मे निकले। अगले दिन में फिर कितने गए, 146, 4 बोरियां आए तो 4 इसमें से और निकम्मे बन गए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, 4 और गायब हो गए। आगे गए 4 और गायब हो गए, असर होता है ना, ऐसे ही होता है। फोर मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन थर्ड डे, सेकेंड डे में भी 4 गए, थर्ड डे एंड सोन, ये ऐसे ही चलता। इसकी वजह से क्या हुआ, जो काम एंड डेज में खत्म होना था, जो काम एंड डेज में खत्म होना था, वो अब कितने दिन में वाला हुआ, 8 more days। यानी कि ये जो पूरा काम है खत्म होने में कितना टाइम लगा, 8 more days। यानी कि अब ये काम खत्म हुआ N+8 days पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीट। भैया अब इसको जो बात मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना, नहीं आएगी दोबारा। देखो इसको आप ऐसे समझो, मान लो कि हमारी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक बॉक्स की हो रही है। काम क्या है यहाँ पे, बॉक्स को बनाने, एक बॉक्स को बनाने के लिए एक वर्कर की रिक्वायरमेंट। एक बॉक्स बनाने में कितना वर्कर चाहिए, एक वर्कर एक दिन में, या एक वर्कर जो एक बॉक्स बना, टोटल मान लो 1000 बॉक्स बनाने, पूरा काम क्या है 1000 बॉक्स बनाने का। तो 1000 बॉक्स बनाने के लिए कितने वर्कर चाहिए आप, ये पूरा जो बॉक्स है, पूरा जो बॉक्स है उसको बनाने में एक वर्कर लग रहा है, तो 1000 बॉक्स बनाने में कितने वर्कर लगेंगे, 1000 वर्कर मानते हो। ठीक है, अब 1000 वर्कर जब उस काम के लिए जाते हैं तो वो एंड डेज में कंप्लीट हो जाए। यानी कि 1000 वर्कर कैसे, पहले दिन में कितने वर्कर गए, 150, 150 वर्कर गए तो 150 डब्बे बने होंगे। अगले दिन में फिर 150 वर्कर गए, फिर 150 डब्बे और बना दिए होंगे। ऐसे करते 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 एंड डेज में ये 150 150 अगर जाते रहेंगे रोज, तो ये जो 1000 डब्बे वो एंड डेज में बन जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, पहले दिन में 150 वर्कर गए होंगे तो कितने डब्बे बने होंगे, 150 बने होंगे। दूसरे दिन में कितने गए होंगे, 146, तो कितने बॉक्स बने होंगे, 146। थर्ड डे में कितने गए हैं, 144, तो कितने बॉक्स बने होंगे, 140। इसलिए काम एंड डेज में कंप्लीट नहीं, इसलिए काम एंड डेज में कंप्लीट ना होके वर्कर
चाहते रहे पूरा काम, वर्कर तो पूरा 1,000 ही चाहिए ना हमें, पूरा 1,000 1,000 वर्कर करते 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 हमें N+8 टेस्ट लगे। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? नंबरों पर। दोनों में कॉमन चीज क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। कि भैया 1,000 डब्बे बनाने तो 1,000 वर्कर का काम होगा ही। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन इसी पर सॉल्व। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर दो केसेस बन गए। केस 1, केस 1 क्या है? व्हेन डेली 50 150 वर्कर्स एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब, टू फिनिश अ जॉब, यानी कि दोनों के डेली कितने वर्कर जा रहे हैं? लेट देन, अगर ऐसा केस होगा इसका मतलब क्या, विच इंप्लाइज पहले दिन में कितने वर्कर जाएंगे? 150 150 150, सोन करते हुए कितने दिन तक जाते रहेंगे? 10 डेज तक, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्क 4 N days, 4 N days क्या हो गया? 150 प्लस 150 प्लस 150 अप टू एंड, तो ये कितना हो जाएगा? 150 N। एग्री करते हो? 1 भाई 150 वर्कर 2 दिन तक काम करेंगे, तो एन की जगह 2 बार 300 वर्कर ने काम किया, 150 150 वर्कर 3 दिन तक काम करेंगे तो 450, ऐसे 150 150 वर्कर 10 डेज तक काम करेंगे तो कितने वर्कर्स ने काम किया? 150 N। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2, केस 2 क्या है? व्हेन एक्सेप्ट फर्स्ट डे, जो आपको कंडीशन दी गई है, 4 वर्कर्स ड्रॉप डाउन, 4 वर्कर्स ड्रॉप डाउन कंटिन्यूअसली सेकेंड डे ऑनवर्ड्स। ये बात समझ में आ रही है? 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट डेली सेकेंड, कंटिन्यूअसली सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, ठीक है। दिस केस नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टेकन वो कितना है? N+8, यस और नो? ठीक है, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क टू फिनिश द जॉब, इसमें क्या हो जाएगा? पहले दिन में कितने हैं? 150। सेकेंड डे में कितने हैं? 146। फिर कितने हो जाएंगे? 142। ऐसे करते करते कितने दिन तक काम किया इन्होंने? N+8 का। तो आप एग्री करते हो कि ये एक एपी बन रहा है? ये क्या बन रहा है आपका? एपी। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1 कितना? माइनस। एप ऑफ सीरीज इज एन एपी, एप ऑफ सीरीज इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए क्या है? 150, डी -4 एंड एन इज इक्वल टू N+8। देयरफॉर यहाँ पे जो सम निकालना है मुझे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर तो टोटल निकालना है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? SN+8। एग्री करते हो? विच इंप्लाइज SN+8 इक्वल टू क्या होगा? N/2, यानी कि N+8/2। 2A एक की जगह क्या आ जाएगा? 150 प्लस एन, एन की जगह क्या आ जाएगा? N+8 -1 इंटू डी, डी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। यस और नो? ये क्लियर हो गया? यहाँ रीजन दोगे क्यों आपने ऐसा लिखा? बिकॉज
sum of n terms of AP is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into ये क्लियर हो गया ठीक है विच इंप्लाइज एस एन प्लस एट इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा एन प्लस एट बाई टू 150 इंटू टू कितना 300 और एन प्लस एट माइनस वन कितना एन प्लस सेवन इंटू में क्या हो जाएगा माइनस इंटू में क्या हो जाएगा माइनस तो ये कितना आ जाएगा आपका एन प्लस एट बाय टू 300 माइनस फोर इंटू वन कितना माइनस फोर एन और सेवन इंटू माइनस फोर कितना माइनस 20 ये क्लियर हो गया आपको ठीक है इसको हम देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर केस वन एंड केस टू शुड बी इक्वल ठीक है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स और केस वन एंड केस टू शुड बी इक्वल विच इंप्लाइज वहां पर कितने थे 150 एंड केस टू में कितना था एन प्लस एट बाय टू ये हो जाएगा 300 माइनस 28 यहाँ कर ही देते हैं 300 में से 28 माइनस करो 70 तो ये हो गया 272 माइनस 4 एन यस और नो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ टू के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे राइट 150 इंटू टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 30 ये हो जाएगा 300 एन यस और नो इक्वल टू में हो गया एन प्लस एट विद इन ब्रैकेट 272 माइनस 4 एन यस और नो क्लियर है आंसर ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 300 एन इस एन के साथ 272 को करोगे तो क्या 72 एन इस एन के साथ माइनस 4 एन को करोगे तो माइनस 4 एन स्क्वायर और 8 को इसके साथ करोगे तो 272 इंटू 8 16 और 5 2176 तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2176 8 को माइनस 4 एन के साथ करोगे तो माइनस 32 एन तो डाउट है तो बताऊं क्लियर है अगर माइनस 4 एन स्क्वायर को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर फिर एन वाली टर्म्स देखो ये तो हो गया प्लस 300 एन और 272 माइनस 32 चलो 272 को भी यहाँ शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस 272 एन माइनस 32 एन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ प्लस 32 एन प्लस 21676 को ले जाओ तो माइनस 2176 यहां तक कोई डाउट है तो चलो अब ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर अब यहां से देखो 300 प्लस 32 कितना 332 इसमें से माइनस कर दो 272 तो 2 में से 2 गया 0 13 में से 7 गया 6 तो ये आ गया 60 राइट तो ये आपका कितना आ गया 60 तो ये हो गया प्लस 60 है और माइनस में क्या हो गया 2176 इक्वल टू 0 अब किससे सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 से कर दो 2 से कर दो 2 2 जा 4 2 1 2 3 जा 6 और 0 2 फिर ये 0 आएगा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 अब ठीक है अब 2 से करो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 4 जा 8 अब भैया 5 4 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपका क्या आ जाए 15 आ जाए आई थिंक 32 और 17 होगा 32 माइनस 17 करो पहले 12 माइनस 7 कितना होता है 5 32 को 17 से करके देखो मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और 1 22 1 2 जा 2 1 3 जा 3 ये देख लिया आप बाकी आप फैक्टराइज करके खुद भी चेक कर सकते हो ठीक है प्लस 32 एन माइनस 17 एन माइनस 544 इक्वल टू 0 जब सॉल्व करोगे हाँ जी 54 तो ये क्या हो जाएगा यहां से कॉमन क्या आ जाएगा एन एन प्लस 32 फिर कॉमन क्या आ जाएगा माइनस 17 एन प्लस 32 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0 ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो अगर मैं एन प्लस 32 को 0 के इक्वल रखू
एन प्लस 32 को 0 के इक्वल रखो तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन प्लस 32। अगर एन प्लस 32 को 0 के इक्वल रखता हूं तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 32। और अगर एन माइनस 17 को 0 के इक्वल रखता हूं तो एन इक्वल टू क्या होगा, 17। अब एन जो है आपका नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि जैसे जैसे केस टू के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। नाउ नंबर ऑफ डेज भैया आपसे पूछा गया था एज पर केस टू इन विच वर्क वॉज कंप्लीटेड, इन विच वर्क वॉज कंप्लीटेड इसके इक्वल था एन प्लस 8, कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 दैट इज 25 डेज। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो अब मैं आपको प्रूविंग केस करवा रहा हूं। प्रूविंग केस आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चन में यूज किया था कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंड, कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। तो ये जो कंपोनेंटो और डिविडेंडो वाला केस हमने किया था, इसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि एक्स बाय वाई जो है अगर ए बाय बी के इक्वल है, ये आपका क्या होता है कि ना की बात, तो हमने क्या कहा बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंड, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हमने ये कहा था कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब ये कैसे इक्वल होता है ये मैं आपको प्रूव करके दिखा, ठीक है? यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एक्स प्लस वाई अपॉन ए बाई बी के इक्वल है तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रूविंग पार्ट, उसमें गिवन लिखोगे, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, दैट एक्स बाय वाई इक्वल टू ए बाई बी। अब ध्यान से देखो इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक कर, दो पार्ट्स का मतलब एक्स बाय वाई इक्वल टू ए बाई बी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। तो पहले आप अप्लाई करोगे कंपोनेंट, अप्लाई कंपोनेंटो ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग कंपोनेंटो ऑन बोथ साइड। कंपोनेंटो भाई साहब ये कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है इसको ऐड कर, न्यूमरेटर यानी कि क्या करना होता है आपको, दोनों में वन ऐड कर। कंपोनेंट अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, दोनों में वन को प्लस करना होगा, क्योंकि जैसे वन प्लस करोगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वाई। देखो अपने आप ही क्या हुआ, डिनोमिनेटर इसमें ऐड हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी इसमें ऐड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हो गया एक केस। एक्स बाय वाई ए बाय बी, अब आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई डिविडेंड। ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग डिविडेंड ऑन बोथ साइड। जब आप इस ये भाई साहब क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर को दोनों साइड न्यूमरेटर से क्या कर दो, माइनस, यानी कि अब आपको क्या करना है, दोनों ही साइड माइनस वन कर, दोनों ही साइड क्या करना है माइनस। जैसे आप माइनस वन करोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाय वाई, पर ये हो जाएगा ए माइनस बी बाय, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां तो क्या मैं इसको सॉरी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बाय प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू वाई बाय बी, सेम इक्वेशन वन। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू वाई बाई बी, यस और नो, लिख सकता हूँ? ठीक है, नाउ फ्रॉम वन एंड राइट हैंड साइड देखो दोनों की क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। यू कैन से दैट एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी
इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी, हेंस हो गया इसका प्रूफ क्लियर। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू विद द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आप करोगे एग्जाम्पल सेवन, ये न्यू एडिशन के हिसाब से आपका एग्जाम्पल सेवन। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज वन प्लस टू बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन प्लस। देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपका जीपी। तो यहां पर गिवन जीपी इज, गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज वन प्लस टू बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन प्लस डॉट डॉट, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए, तो किसके इक्वल है वन के, कॉमन रेशियो टू बाय थ्री, समझ में आ ही रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा टू बाय थ्री है। अब आपको कहा जा रहा है देखो टू बाय थ्री मुझे बताओ वन से बड़ा है वन से छोटा है, टू बाय थ्री जो है वन से 0.6 है समथिंग आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एस ऑफ एन टर्म सम ऑफ एन टर्म से कहा तो क्या होगा ए आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन क्या होगा आर माइनस वन, या मैंने उल्टा लिखा है बताओ, बोलो जी सक में बैठे हो सारे के सारे। अगर वन बड़ा है तो वन को पहले रखा जाता है, ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये वैल्यू क्लियर है। ठीक है, तो देखो तो कैन आई से दैट सम ऑफ एन ए ए की जगह क्या आ जाएगा वन, वन माइनस आर आर की जगह क्या आ जाएगा टू बाय थ्री रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर दैट इज टू बाय। जब आपको सिंप्लीफाई करोगे देखो इस वन को तो लिखने की नीड अब है, ये हो जाएगा वन माइनस टू बाय थ्री रेज टू पावर एन, और ये हो जाएगा थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा वन बाय थ्री। जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या नहीं से दैट जो आपका एस ऑफ एन होगा सम ऑफ एन टर्म्स होगा थ्री विद इन ब्रैकेट वन माइनस टू बाय थ्री रेज टू पावर एन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इसके अलावा सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। अब अगर मैं इनकी जगह फाइव पुट कर टेन इज इक्वल टू फाइव क्या आ जाएगा एस फाइव, ये तो फाइंड करना है थ्री वन माइनस टू बाय थ्री रेज टू पावर फाइव। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा थ्री टू रेज टू पावर फाइव कितना सिक्सटी फोर, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन को फिर नाइन से कर दो, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, नाइन टू जा एटीन और सिक्स कितना 24, तो 243 हो गया। समझ आ रहा है, टू रेस टू पावर फाइव कितना 32, थ्री रेस टू पावर फाइव, थ्री रेस टू पावर थ्री कितना हो गया 27, और इंटू कितना हो जाएगा नाइन, टू रेस टू पावर फाइव 32, थ्री रेस टू पावर फाइव कितना हो गया 240। अब इसको सॉल्व करोगे थ्री एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 243, पर ये हो जाएगा 243 माइनस 30। जब सॉल्व करोगे तो 243 में से क्या माइनस करोगे 32, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 211। अच्छा इसको सिंप्लीफाई यही कर सकते हैं, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, 3 वन जा, तो आइडियली इसको क्या कर देते हैं 243 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका 211/81, and this is the final answer of this. Is it clear? ठीक है, next question is example 8 जो आपको करना है। example 8 is how many terms of the GP, तो ये आपकी given GP, first of all given GP is, given GP is 3 3 by 2 3 by 4 सो फर्स्ट टर्म क्या है थ्री, व्हाट अबाउट कॉमन रेशियो थ्री बाय टू, सक्सेसिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड कर दो तो थ्री का मतलब थ्री बाय वन ही हो गया, तो ये हो गया थ्री बाय टू इंटू वन बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बाय टू, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आर जो है आपका वो वन से क्या आ रहा है छोटा है,
इसका मतलब अब आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीपीआर नीडेड टू कीप सम दिस, तो आप क्या कहोगे, लेट एस एन दैट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू कीप सम P069 अपॉन 512, यस और नो? ठीक है, उसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो एस एन है वो किसके इक्वल है, P069 अपॉन 51, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर 1 बड़ा है तो एस एन का फॉर्मूला क्या, ए 1 माइनस R इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R, यस और नो? ये हो जाएगा 3069 फोन में 51। अब ए आपका कितना है, तो ए की जगह आ जाएगा 3 1 माइनस R की जगह 1/2, एन आपको फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3069 अपॉन 512, यस और नो? ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 माइनस हाफ कितना, हाफ, आपको रेसिप्रोकेट करोगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस हाफ रेस टू पावर n इक्वल टू 3069 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 1, ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट 1 माइनस हाफ रेस टू पावर n इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा, तो देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, अब ये हो जाएगा आपका, देखो ये पूरी की पूरी टर्म से 1 और ये पूरा -1023, 512 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो अपॉन में कितना आएगा, ये पूरा अगर मैं यहां लिखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2 रेस टू पावर n, ये समझ में आ गया? अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1024, 1024 को 1 से करोगे तो 1024 -1023 इक्वल टू 1 रेस टू पावर n, तो 1 ही होगा अपॉन में 2 रेस टू पावर n कर देते हैं। अब ये हो गया आपका 1 अपॉन 1024 इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस टू पावर n। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर n इक्वल टू 1024, और ये होता है 2 रेस टू पावर 10। फाइनल आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू, इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 9। क्वेश्चन इज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12, ध्यान से देखना जो इसमें आगे वाला पार्ट, एंड द प्रोडक्ट इज माइनस। जब भी आपको इस तरह से सम और प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो आपने क्या करना है, जो आप टर्म्स मानोगे यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स आप किस तरह से दोगे, जैसे हम एपी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर देते हैं, वैसे जीपी में भी होता है, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी, आप इस तरह से दोगे ए बाय आर, ए और ए आर, अगर आप ध्यान से देखो कॉमन रेशियो सेम है, इससे आप इसको डिवाइड करो तो ए अपॉन ए बाय आर, ये हो जाएगा ए इंटू आर बाय, कितना आ रहा है आर, अब इस टर्म से इसको डिवाइड करो ए आर बाय, भी आर ही आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम ही आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ऐसा क्यों लिया, देख अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इन तीनों टर्म का जो सम है, सम वो किसके इक्वल है, 13/12, कैन आई से दैट ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12, यस और नो? ठीक है, अब यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, ए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/R + 1 + R इक्वल टू 13/12, सेट इज इक्वेशन नंबर 1। पार्ट फ्रॉम दिस और क्या कहा जा रहा है, इन तीनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1।
ऑल्सो ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू माइनस। अब देखो ये तीनों टर्म इस तरह से लेने का बेनिफिट क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए रेस टू पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, अगर पावर 3 है 5 है 7 है ऑड पावर है तो आंसर जो है आपका उसमें प्लस माइनस नहीं करता हूँ, और जो वैल्यू है उसको जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। जैसे कि मान लो अगर है ए क्यूब इक्वल टू 4 तो आप ए इक्वल टू क्या कहोगे, जैसे मान लो यहाँ पर है आपका 64 तो ये 4 का क्यूब होता है ना, ये ए का क्यूब है, तो क्यूब वाले केस में आंसर आपका 4 ही आएगा। लेकिन अगर ये इवन पावर होती 4 या 2 तो प्लस माइनस 4 क्या होता है प्लस माइनस, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अगर पावर ऑड हो दोनों साइड तो जो वैल्यू है वो एज इट इज वैल्यू है। जैसे कि अगर ये होता है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 4 तो आप क्या कहते हैं ए इक्वल टू प्लस माइनस 2, अगर यही होता है आपका ए क्यूब इक्वल टू 4 तो आप कहोगे ए इक्वल टू प्लस माइनस क्यूब रूट ऑफ 4, बस प्लस माइनस नहीं कहोगे, क्या कहोगे आप सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 4, प्लस और माइनस दोनों नहीं आए, एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू क्या होगी -1। तो जो भी ये वैल्यू आ रही है, ये जो भी वैल्यू आ रही है पुट ए इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कहाँ पे पुट कर दोगे इक्वेशन 1, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1/r + 1 + r इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/1। -1 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/r + 1 + r, -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -13/1, ये समझ में आ रहा है। एलसीएम क्या आ जाएगा r 1 + r + r² इक्वल टू -13/, ये क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 12, पहले r² लिखो + r + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 r, कितना समझ में आ रहा है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 r² + 12 r + 12, -13 r को भी यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा +13 r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके 12 r² 13 और 12 कितना 25, प्लस में क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ 12 × 12 होता है 144, और 69 जब भी 144 होता है 16 + 9 कितना होता है 25, फैक्टर क्या बनेंगे 12 r² + 16 r + 9 r + 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ 4 r, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 r + 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 r + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ठीक है। देन कॉमन फैक्टर क्या है 3 r + 4 r + 3 इक्वल टू 0। अब r की दो वैल्यू आ रही है, एक आएगी -4/3 और एक आएगा -3/, तो आपके पास दो केस बने। केस 1 में आप क्या कहोगे व्हेन ए इज इक्वल टू, ये तो फिक्स है -1 ही आएगा, और r इज इक्वल टू -4/3, तब जो आपकी 3 टर्म्स होगी देन 3 टर्म्स आर देन 3 टर्म्स ऑफ GPR। फर्स्ट टर्म क्या थी ए, तो -1 ही लोगे। सेकंड टर्म क्या थी ए आर, नहीं फर्स्ट टर्म हमारी थी ए बाय आर, फर्स्ट टर्म क्या थी ए बाय आर, ए बाय आर का मतलब -1/-4/3, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3/1, ये समझ में आ रहा है। सेकंड टर्म क्या थी ए दैट इज -1, और थर्ड टर्म क्या है ए आर दैट इज -1 × -4/3 विच इज इक्वल टू 4/3। तो इस केस के हिसाब से आपकी 3 टर्म्स क्या होंगी, देयरफॉर 3 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म क्या है 3/4, फिर -1 एंड 4/3, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अब हम लेते हैं केस टू में क्या होगा व्हेन ए इज इक्वल टू -1 एंड आर इज इक्वल टू -3/,
अब क्या होगा देन टी टर्म्स ऑफ जीपी आर, टी टर्म्स ऑफ जीपी आर, फर्स्ट टर्म क्या हो गया अगेन ए बाय आर, दैट इज -1/-3/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। सेकेंड टर्म क्या होगी ए, ए का मतलब -1, और थर्ड टर्म क्या थी ए आर, दैट इज -1/-3/4 विच इज इक्वल टू 3/, यहां पर अगर आप थ्री टर्म देखोगे तो क्या होगा देयर फोर थ्री टर्म्स, देयर फोर थ्री टर्म्स आर ए बाय आर कितना है 4/3, देन -1 एंड 3/4, इसे क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।